स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर डॉक्टरों की संस्था इंटेलेक्चुअल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। खोजी कैमरा के लिए बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। रैली का शुभारंभ आज सुबह 7 बजे बेग हॉस्पिटल से एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनीस बेग के नेतृत्व में आरंभ होकर फैज हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर फैज हॉस्पिटल के डायरेक्टर ग्यास उर रहमान व डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी ने तिरंगा यात्रा रैली का पुष्प वर्षा करते हुए जोरदार स्वागत किया। स्वागत उपरांत फैज हॉस्पिटल के डायरेक्टर द्वारा जलपान कराया गया। जलपान के उपरांत तिरंगा यात्रा रैली बाईपास रोड होते हुए बीसलपुर चौराहा स्थित एलोनिस हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर एलोनिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर नसीरुद्दीन तिरंगा यात्रा रैली का स्वागत किया। स्वागत उपरांत ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण उपरांत तिरंगा यात्रा रैली में सम्मिलित लोगों को जलपान कराया। जलपान उपरांत एलोनिस हॉस्पिटल से तिरंगा यात्रा रैली अल मदीना अलमास हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर अल मदीना अलमास हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अयूब अंसारी ने रैली का जोरदार स्वागत किया। स्वागत उपरांत सभी लोगों को जलपान कराया गया। अल मदीना अलमास हॉस्पिटल से चलकर रैली सतीपुर चौराहा होते हुए आला हजरत हॉस्पिटल पर पहुंची, जहां पर आला हजरत हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद फाजिल ने पुष्प वर्षा के साथ रैली में शामिल डॉक्टरों का जोरदार स्वागत किया। स्वागत उपरांत रैली समापन स्थल पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनीस बेग व वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद फाजिल ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के उपरांत रैली में उपस्थित डॉक्टरों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अनीस बेग ने कहा, आज जश्न यौमे आजादी के मौके पर डॉक्टरों की संस्था इंटेलेक्चुअल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ एसोसिएशन मना रही है, और इस अवसर पर एसोसिएशन द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन कर कौमी एकता का संदेश तिरंगा यात्रा के माध्यम से दिया जा रहा है। डॉक्टर बेग ने कहा, यह डॉक्टरों की संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं जन कल्याण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर तिरंगा यात्रा रैली में सम्मिलित डॉक्टरों को संबोधित करते हुए सोसाइटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद फाजिल ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और आज 15 अगस्त 2022 को हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसलिए इस बार स्वतंत्रता दिवस का अपने आप में अलग महत्व है, और पूरा देश स्वतंत्रता दिवस को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, और आज इस मौके पर सभी लोग घर घर झंडा लगाकर तिरंगा यात्रा निकालकर जश्न आजादी को खास अंदाज में मना रहे हैं। इस अवसर पर इंटेलेक्चुअल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनीस बेग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद फाजिल, डॉक्टर मुजाहिद अली, डॉक्टर नईम सिद्दीकी, डॉक्टर शाहजेब हसन, संयुक्त सचिव डॉक्टर मोहम्मद खलिक, डॉक्टर मोहम्मद अकील खान, मीडिया प्रभारी डॉक्टर फिरासत हुसैन अंसारी, संगठन सचिव डॉक्टर मोहम्मद जावेद, डॉक्टर फिरासत हुसैन अंसारी, मीडिया सचिव डॉक्टर सैफुद्दीन, कोषाध्यक्ष डॉक्टर लईक अंसारी आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। इसके अलावा तिरंगा यात्रा रैली समापन के मौके पर उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सदस्य डॉक्टर एहतेशाम उल हुदा भी समापन कार्यक्रम में शामिल रहे। आला हजरत हॉस्पिटल पर तिरंगा यात्रा रैली के समापन के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए इंटेलेक्चुअल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनीस बेग ने कहा, तो पहले तो हम लोगों का यही फंडा है प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, तो हमने साइकिल रैली इसी निकाली इस बार की तरफ से कि हम लोगों को हम पूरे हिंदुस्तान डॉक्टर्स एक ऐसा इंटेलेक्चुअल तबका है जिसकी बात लोग सुनते भी हैं, तो हम लोग प्रिवेंशन की तरफ जाएंगे। क्योर तो करते ही हैं हम लोग, बीमारियों का इलाज तो करते ही हैं, लेकिन कुछ प्रिवेंटल डिजीज ऐसी हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज ऐसी हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा, ये सब हम लोग एक्सरसाइज से और अपनी डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए आज इस बार की तरफ से ये साइकिल रैली निकाली गई है, संदेश दिया गया है कि फिट रहो और फिट रहो। सबसे पहले तो मुझे आप सब लोग जितने भी यहाँ मौजूद हैं, सब लोगों को, बरेली वासियों को, मेरे पूरे हिंदुस्तान वासियों को इस 75वें स्वतंत्र दिवस की मेरी दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग, इस बार का एक मकसद है कि यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में जो हमारी कम्युनिटी है और पूरा हिंदुस्तान है, उसमें हेल्थ और एजुकेशन को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा संदिग्ध हैं। इसमें हम लोग जो है चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हेल्थ अच्छी रहे और एजुकेशन फैले। इसी सिलसिले में हम लोगों ने आज हेल्थ के ऊपर, जैसे कहते हैं लोग कि हेल्थ में हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ में ये है कि हेल्थ में ये है कि हम लोग ये कहते हैं फिट रहो एंड हिट रहो,
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम तो क्योर तो करते ही, सब कुछ यहाँ डॉक्टर कम्युनिटी है पूरी, एक इंडिविजुअल कमेटी है और एक डॉक्टर कमेटी है, तो हम लोग क्योर तो करते ही हैं, लोगों का इलाज भी करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि कुछ प्रिवेंटिबल डिजीज़ ऐसी हैं, हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ ऐसी हैं, जैसे डायबिटीज़ आज बहुत ज़्यादा 25% लोगों में हिंदुस्तान में लोगों को डायबिटीज़ हो चुका है, यहाँ पर मोटापा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, तो ये ऐसी प्रिवेंटिबल डिजीज़ हैं जो हम लोग फिट रह के और डाइट कंट्रोल करके इसको हम लोग रोक सकते हैं। तो इसबा का यही संदेश है, आज हमारी इसबा का यही संदेश है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसलिए हम लोगों ने साइकिल रैली निकाली है, और इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए पूरे, है ना पूरा, और हमारे 75 साल पे हम लोग हिंदुस्तान में बहुत आगे बढ़े हैं, और हम लोगों की यही इच्छा है, हम लोगों की यही दिल से खुशी है कि इस हिंदुस्तान के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर रहें और एक ही पैगाम दें कि हम सब एक हैं, हिंदुस्तानवासी एक हैं, जहाँ पर हमारा कोई हिंदुस्तान को आंख उठा के देखेगा तो हम लोगों को, हम लोग जो है पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक पूरा जो है अच्छे से जवाब देंगे, एक होके जवाब देंगे, एकजुट रहेंगे, और यही हमारा संदेश। मैंने कहा ना, इस बार का एक मकसद है कि हमारी जो पुअर कम्युनिटी है उसको उठाना, उसकी सेवा करना, और हम लोग स्पेशली पूरा इस बार के अभी कम से कम कुछ नहीं तो 1000 मेंबर बन चुके हैं, और भी मेंबर बनेंगे हम लोगों के, और हम लोगों का एक ही मकसद है कि हम लोग अपने कम्युनिटी के ऊपर, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, एजुकेशन पे हम लोग कुछ करें और हेल्थ पे कुछ करेंगे। आगे आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा। कम से कम 500 लोग साथ में थे, आप देख रहे थे पूरा रैला था, पूरा सुबह सुबह पूरा बरेली में सबसे पहला मैसेज अगर आज़ादी का दिया है तो आज इस बार ने दिया है।